खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब वो खबर जिसने सिस्टम को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए। मुंबई के दिव्यांश के नाले में लापता हुए 40 घंटे हो गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। दिव्यांश ना मिला, ना कोई सुराग मिल पा रहा है। तलाशी का अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच दिव्यांश के पिता सूरत सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। पहले से तलाशी अभियान से नाराज चल रहे सूरत सिंह ने मुंबई पुलिस पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। अब सोचिए भला, मासूम तो मिला नहीं और पिता को पुलिस डरा रही है, ऐसे आरोप। सूरत सिंह का कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह की सहायता नहीं कर रहा है और जो समाज से भी मदद कर रहे हैं प्रशासन उसे अलग करने में लगा हुआ है। और ऐसे में एबीपी न्यूज मुहिम के तौर पर यह खबर आप तक लेकर आया है। सवाल यह है कि आखिर दिव्यांश है कहां? मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, जहां पर तमाम संसाधन है, इन सब के बावजूद नाले से एक मासूम को नहीं निकाला जा पा रहा है। मुंबई नगर निगम से लेकर सरकार सवालों के घेरे में। क्या बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है? मासूम 40 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया लापता है, अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। सर, प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ हम जो हमारे मित्र जो हमारी सहायता कर रहे हैं उनको सब ये सिर्फ अलग करने में जुटा हुआ है। अभी हम और हमारे मित्र जो श्रवण तिवारी हैं, स्पॉट जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ से आ रहे थे। रास्ते में उन लोगों ने रूट चेंज करने की सोची तो हमने अपनी गाड़ी से आने का फैसला किया। तब तक श्रवण तिवारी को कॉलर में हाथ डाल के उसको गाड़ी में बिठा के दूसरे रूट से पुलिस चौकी ले जाया गया। ऐसा क्यों? जो हमारा साथ दे रहा है इसका मतलब हमारे साथ तो कोई है नहीं। इसका मतलब आज ये मीडिया है हमारे साथ, हमारा मित्र श्रवण तिवारी हमारे साथ खड़ा था, उसको हमसे डाइवर्ट कर दिया गया, उसको पुलिस चौकी इस वक्त रखा गया है, उसको सुबह भी ले जाया गया, अभी ले जाया गया, क्यों ले जाया गया? और पुलिस प्रशासन जो है ना हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी मानते हैं। पुलिस प्रशासन अभी तक हमसे सहयोग नहीं कर रहा है, वो हमसे जाती कर रहा है, हमको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे पवार साहब ने भी हमको डराने धमकाने की कोशिश की। अब सोचिए भला, पिता को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है पुलिस, मासूम तो मिला नहीं, अब तक ढूंढ भी नहीं पाया प्रशासन, और पिता को डराने की कोशिश की जा रही है, यह गंभीर आरोप लगाया गया है। तो कहां होगा दिव्यांश, यह बड़ा सवाल है। और अब तो ऐसा लगता है कि कोई करिश्मा ही होगा तभी इस मासूम की, इस बच्चे की जान बच पाएगी। 40 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, गंदे नाले में बह गया यह बच्चा। हादसे की रात की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। वैसे जहां जहां संभावना हो सकती है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कैसे चल रहा है आखिर ये ऑपरेशन। मुंबई के गोरेगांव इलाके में बुधवार की रात 10 बजे नाली में गिरकर लापता हुए बच्चे दिव्यांश की खोज अभी भी देखिए जारी है। जिस जगह पर यह घटना घटी उसके आसपास जितना भी नाली के ऊपर का कंक्रीट था उसे कल भी तोड़ा गया था। अब आगे नाले से लेके जो खाड़ी है वहां तक खोज हुई, कोई सुराग नहीं मिला है अब तक बच्चे का। तो अब जो पास की नाली और बची थी उसे भी तोड़ा जा रहा है। अब हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं उससे बस थोड़ी आगे वो नाला है जिसमें थोड़ी देर पहले तक फायर ब्रिगेड के लोग खोजबीन कर रहे थे। अब ये जो नाला है, इस नाले के पहले की नाली के कंक्रीट को तोड़ा जा रहा है कि अगर पानी के प्रवाह के बीच में अगर बच्चा यहाँ कहीं फंसा हो तो मिल जाए। जिस तरह से लेट होता जा रहा है, लोग अपनी उम्मीदें खोते जा रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं अपने काम को लेकर डटे हुए हैं, जो फायर ब्रिगेड है वो नाले में उतरा हुआ है, लगातार जो दिव्यांश है उसकी खोज की जा रही है, परिवार के लोग, आसपास के लोग धीरे धीरे उम्मीदें खोते जा रहे हैं। और इस बीच देखिए जैसे भी फिर से शुरू हो गई है, जो कंक्रीट है अब उसको तोड़ रही है, जो दिव्यांश जिस जगह पर गिरा उस जगह के आसपास के नाली के ऊपर के कंक्रीट को। कैमरा पर्सन गजानन के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। जिस जगह दिव्यांश गिरा था उसका हाल भी हम आपको दिखाते हैं। सीढ़ी से लेकर रस्सी तक से ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मुंबई की गोरेगांव इलाके से 10 जुलाई की रात 10 बजे एक छोटा बच्चा दिव्यांश सिंह अपने घर के बाहर खड़ा था, नाली में गिर गया। खुली नाली के कारण अब उसको खोजने का काम पिछले डेढ़ दिन से लगातार जारी है। देखिए हम इस समय गोरेगांव इलाके के एक नाले के पास मौजूद हैं। ये वो नाला है जो उस इलाके की नाली से जुड़ता है। और देखिये जो फायर ब्रिगेड के जवान है अब इस नाले में भी खोजबीन का काम शुरू कर चुके हैं। नाले में उतर कर उस बच्चे को खोजने का काम किया जा रहा है। कल से ही लगातार आसपास के जितने भी कनेक्टिंग नाली, नाले और खाड़ी का इलाका
इलाका है, वहाँ लगातार जो एनडीआरएफ के जो फायर ब्रिगेड के जवान है खोजबीन कर रहे हैं उस बच्चे की। कोई खबर अब तक उस बच्चे की नहीं मिली है। लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर सीढ़ियां, रस्सियां और ये जितने भी इनके यंत्र हैं उन यंत्रों का इस्तेमाल करके उस बच्चे को खोजने का काम लगातार जारी है। तो जो अधिकारी मौजूद है हमारे संग, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितने लोग इसमें लगाए गए हैं? रेस्क्यू का जो कुछ चल रहा है गतिविधि, क्या नया? रेस्क्यू के लिए हमारे फायर ब्रिगेड के एक फायर इंजन, एक क्यूआरवी के जो क्रू मेंबर्स है वो, और बीएमसी के लेबर्स और उनके बीएमसी के अधिकारी लोग यहाँ पे सर्च ऑपरेशन में शामिल है। अभी सुबह से हम लोग जो पिरा एसवी रोड से प्रेमल नगर से यहाँ से प्रेम नगर तक का जो एरिया है वो नाले में उतर कर हम लोग ढूंढने की कोशिश चालू है। जिस दिन सर ये घटना घटी, बताया जा रहा है जोरदार बरसात थी और बरसात के आसपास का इलाका होने के कारण पानी का प्रवाह भी काफी तेज था। अब क्योंकि नाले में पानी कम है, नालियों में पानी कम है, तो खाड़ी तक पहुंचने की कोई संभावना है बच्चे की? क्या संभावना है आपको लगे? संभावना हो सकती है क्योंकि बारिश के टाइम में जो नाले का जो फ्लो था वो बहुत ही ज्यादा था और अभी तो नाले में पानी कम है, तो इसके लिए हम लोग नाले में उतर कर जहाँ भी कचरा वगैरह जमा हुआ है या कहीं भी फंसने की संभावना है वो जगह हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो देखिए, ये अधिकारी हैं, साफ तौर पे वही बात कह रहे हैं कि जिन जिन जगहों पर फंसने की संभावना है उन जगहों पर जाके लगातार खोजबीन दिव्यांश सिंह की जा रही है। 10 तारीख की घटना थी, आज 12 तारीख हो गई है। लगातार इलाके के अलग अलग हिस्सों में उतर के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, बच्चे को खोजने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गजानन के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो साइंस टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चंद्रयान की बात होती है और एक नाले से बच्चे को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।